नमस्कार बच्चों, वेलकम टू द पार्ट थ्री ऑफ द डिस्कशन ऑफ द आरटीपी फॉर पेपर नंबर फोर फॉर सीए फाइनल। देखिए, पार्ट वन में हमने एमसीक्यू की डिस्कशन करी थी, पार्ट टू में हमने डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन कंपनीज एक्ट के किए थे। आज हम पार्ट थ्री के अंदर इकोनॉमिक लॉज के क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कशन करने जा रहे हैं। पहला प्रश्न हमारा फेमा के ऊपर है, फेमा ओवरसीज रूल्स 22 के ऊपर है। तो कहता है, बताइए वैलिडिटी ऑफ द गिवन सिचुएशंस। मिस्टर ए एक रेजिडेंट इंडिविजुअल है और वो अक्वायर कर रहे हैं फॉरेन सिक्योरिटी कैसे, इनहेरिटेंस से, किससे, फ्रॉम अ पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया। मतलब आप भी रेजिडेंट हो और इंडियन रेजिडेंट से फॉरेन सिक्योरिटीज बाय इनहेरिटेंस ले रहे हो, तो ठीक है भैया, ले सकते हो, इसमें कोई टेंशन वाली बात ऐसा है ही नहीं, एज पर स्केड्यूल नंबर 3 ऑफ फेमा ओवरसीज रूल्स 22 के मुताबिक। तो इसमें ऐसा बिना किसी लिमिट के आप ले सकते हैं, तो हम कहेंगे ये स्टेटमेंट क्या है, वैलिड है। अगला प्रश्न है, आपके ऊपर रोक लगी है फॉरेन सिक्योरिटीज लेने से, कैसे, अगर आपको गिफ्ट से मिल रही है फ्रॉम पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया। बेसिकली हम क्या पढ़ते हैं कि आप गिफ्ट से पीआरओआई से ले सकते हैं, लेकिन आपको एफसीआर एक्ट का क्या करना पड़ता है, कंप्लायंस करना पड़ता है। तो इसलिए स्टेटमेंट वैलिड है या नहीं, क्योंकि यहां सिंपल क्वेश्चन में लिखा है प्रोहिबिटेड, तो स्टेटमेंट हम कहेंगे वैलिड नहीं है, बिकॉज उस एफसीआर एक्ट का कंप्लायंस करने के बाद आप ये सिक्योरिटीज ले सकते हैं। अगले दो प्रश्न हमारे ये पीएमएलए के ऊपर है। एक है, मिस्टर पी मैनेज टू ट्रांसफर हिज प्रोसीड्स ऑफ क्राइम अब्रॉड एंड कन्वर्टेड इनटू इमूवेबल प्रॉपर्टी इन द वाइफ्स नेम विद द हेल्प ऑफ अ फ्रेंड रिजाइडिंग अब्रॉड। तो आपसे पूछा गया, विल ही सक्सीड इन एस्केपिंग द इन्वेस्टिगेशन प्रोसीडिंग्स एंड द प्रॉपर्टी सिचुएटेड अब्रॉड नॉट सब्जेक्टेड टू कॉन्फिस्केशन। कि हिंदुस्तान के बाहर आपने ये प्रोसीड्स ऑफ क्राइम से प्रॉपर्टी ले ली अपनी बीवी के नाम पे, तो क्या आप इन्वेस्टिगेशन से बच पाएंगे। देखिए, ये क्वेश्चन आता है हमारा सेक्शन 57 एंड 60 के ऊपर, क्योंकि हम इस पे पढ़ते हैं रेसिप्रोकल अरेंजमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स विद द फॉरेन स्टेट। तो सेक्शन नंबर 57 यही कहता है, अगर स्पेशल कोर्ट क्या है, सेटिस्फाइड है कि भैया आप इस तरह से ये आपने क्राइम किया है, तो एक लेटर ऑफ रिक्वेस्ट भेजी जाएगी कहां पे, कोर्ट या अथॉरिटी किसकी, कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट हिंदुस्तान के बाहर जो है, जो भी आपके पास सबूत है उसके साथ। और 60 यही कहता है, स्पेशल कोर्ट ऑर्डर दे सकती है कॉन्फिस्केशन का भी, लेकिन इसके लिए रिक्वायरमेंट क्या होती है, पहली बात स्पेशल कोर्ट के पास एक एप्लीकेशन आई हो, किसकी आई हो, डायरेक्टर की आई हो, और फिर आप चाहें तो एक लेटर इशू कर सकते हैं बाहर वाली कोर्ट या अथॉरिटी को कॉन्फिस्केशन के लिए। इसलिए जो ये भाई साहब थे कि मैं इन्वेस्टिगेशन से बच पाऊंगा या नहीं, सॉरी मिस्टर पी, आप नहीं बच पाएंगे। अगला प्रश्न पीएमएलए का सेक्शन 12 पे आया है कि वेल्थ बैंक लिमिटेड एक बैंकिंग कंपनी है, अभी बना है, एक डायरेक्टर ऑफ द कंपनी रश टू यू फॉर एडवाइस रिगार्डिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ मेंटेनेंस ऑफ सर्टेन रिकॉर्ड्स एंड फर्निशिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू ट्रांजेक्शंस। कि भैया, कंपनी का डायरेक्टर पूछ रहा है ये ट्रांजेक्शन मेंटेन करनी, दिस एंड दैट, राइट। तो देखिए, सेक्शन 12 में हम सिंपल तीन बातें पढ़ते होते हैं पीएमएलए में, कि भैया हर बैंकिंग या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या इंटरमीडियरीज को क्या बनाना है, हर ट्रांजेक्शंस का आपको रिकॉर्ड बनाना है। नंबर दो, आपको डायरेक्टर को फर्निश करनी पड़ेगी जो भी इन्फॉर्मेशन उसने ट्रांजेक्शंस की मांगी है, उनका नेचर या वैल्यू जो भी कुछ बताया गया है। नंबर तीन, आपने रिकॉर्ड मेंटेन करना है किसी से, सबूत के रूप में आइडेंटिटी किसकी, क्लाइंट एंड बेनिफिशियल ओनर्स की। एफसीआरए एक्ट के ऊपर अगला प्रश्न है जो हमारा सेक्शन 8 मैनेजमेंट एक्सपेंसेस पे आता है, कि भारत सेवक एक एनजीओ है और आपके पास एक सर्टिफिकेट है फॉरेन कंट्रीब्यूशन लेने का, और इस साल आपने 80 लाख रुपए लिए हैं। अब मैनेजमेंट पे कितना खर्चा आप कर पाएंगे वो हम जानते हैं, लिमिट 20% है, उससे ज्यादा करना है सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल लेनी पड़ती है। तो भाई साहब, आप प्रोवाइड कर रहे हैं हेल्थ फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं, आउट ऑफ द अबव अमाउंट एनजीओ हैज स्पेंट द फॉलोइंग अमाउंट, जिसको ये एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस या मैनेजमेंट कह लीजिए की बात है, राइट। आपको आप एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसिस के रूप में आप बता रहे हो। अब आपसे पूछा गया, बताइए कितना किसमें से अलाउबल होगा। देखिए, पहले है सैलरीज वेजेस ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस एम्प्लॉइज ऑफ एग्जीक्यूटिव कमेटी, तो हम ये पढ़ के आते हैं, ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस का पार्ट है। दूसरा अगेन सैलरी और वेजेस ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस है, लेकिन ये ट्रेनिंग कलेक्टिंग ये हम कहते हैं, इसको हम एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस का पार्ट नहीं लेके चलते। तीसरा बिजली पानी वगैरह के खर्चे हैं, मेंटेनेंस ऑफ फर्नीचर है, तो ये भी अलाउड होता है। चौथा कॉस्ट ऑफ अकाउंटिंग फॉर द फंड्स, ये भी सिंपल, क्योंकि अकाउंटिंग का खर्चा आ गया, अलाउड है। और डायरेक्ट एक्सपेंसेस जैसे डॉक्टर्स हैं हॉस्पिटल के, ये अलाउड नहीं होता। दैट मींस हमारा अमाउंट कितना अलाउ हो गया, 10 लाख, 5, 15 लाख, 15 और 6, नहीं ये वाला तो अलाउड नहीं था, क्रॉस किया था मैंने,
एक ये हो गया 10 लाख का, और 10 के बाद ये हो गया 6 लाख, 16 लाख और 2 18 लाख, और 80 लाख का अगर हम 20% लेके चलेंगे ये तो बना 16 लाख रुपए। तो डैन मीन्स 2 लाख एक्स्ट्रा हो गया, तो इसलिए हमें सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल लेनी पड़ेगी, क्योंकि सेक्शन 8 में हम ये पढ़ते हैं कि ज्यादा से ज्यादा आप शेल नॉट डिफ्रे नॉट एक्सीडिंग व्हाट 20% किसी भी फाइनेंशियल ईयर में विदाउट प्रायर अप्रूवल ऑफ सीजी सेंट्रल गवर्नमेंट। तो जैसे मैंने कहा था ये 16 लाख बनेगा, या देखिए 20% हो गया 16 लाख, लेकिन जो आपने अमाउंट ऐड किया था 3 वो बना 18 लाख। तो यहां पे 2 लाख के लिए आपको प्रायर सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल लेनी पड़ेगी। आर्बिट्रेशन एक्ट पे सेक्शन 62 पे आया, कॉन्सिलेशन से रिलेटेड हम पढ़ते हैं इसके ऊपर कि एक्सवाइज लिमिटेड एक प्रोड्यूसर है गारमेंट्स का और अच्छी रेपुटेशन है, लेकिन झगड़ा हो गया बिटवीन द मैनेजमेंट ऑफ एक्सवाइज एंड उसके लेबरर्स के बीच में वर्किंग कंडीशंस को लेते हुए। मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी ने एक रिटर्न इन्विटेशन भेजा है लीडर ऑफ जो भी लेबर यूनियन का है, और ये डेट आपको दे रखी है 20 जनवरी, क्योंकि डेट इंपॉर्टेंट रहेगी। सो द यूनियन ने एक्सेप्ट कर लिया इन्विटेशन राइटिंग एंड मैनेजमेंट रिसीव्ड द रिप्लाई ऑन 10th फेब, और मैनेजमेंट को पता चलता है 10 फेब को कि हाँ उन्होंने रिसीव कर लिया है। अब आपसे पूछा गया पहला हिस्सा, वेदर कॉन्सिलेशन प्रोसीडिंग शेल बी सेट टू हैव बीन कमेंस्ड इन द गिवन केस। तो भाई साहब क्या ये कमेंस हो गया नहीं? तो देखिए 20 जनवरी था, 20 जनवरी के बाद 10 फेब है, तो लगभग कह लीजिए दोनों के बीच में गैप बनता है 20 दिन का। तो सेक्शन 62 में हम ये पढ़ते हैं कि जो पार्टी इनिशिएट कर रहा है, जो स्टार्ट कर रहा है कॉन्सिलेशन, वो उसके लिए मस्ट कंडीशन होती है कि आप एक रिटर्न में इन्विटेशन भेजिए दूसरी पार्टी को, और दूसरी पार्टी के और पार्टी का जरूरी है उसको एक्सेप्ट करना, और जैसे ही वो एक्सेप्ट कर लेता हम कहते हैं कॉन्सिलेशन प्रोसीडिंग स्टार्ट हो गई है, जैसे वो एक्सेप्ट कर ले, और वो भी एक्सेप्ट करना होता है राइटिंग में। लेकिन अगर अगला नहीं रिप्लाई करता, क्योंकि यह समय बड़ा इंपॉर्टेंट है 30 दिन के अंदर, तो हम इसे मान के चलते हैं कि भाई साहब ये तो एक तरह से क्या हो गई, रिजेक्शन हो गई। तो इसलिए हम कहेंगे कि पहली बात कमेंसमेंट कब हुई, तो नेचुरल है कमेंसमेंट हो गई एज इट हैज बीन रिसीव्ड बाय द मैनेजमेंट विद इन 30 डेज, क्योंकि आपको 10 फेब को यह रिसीव हो गया था, राइट। अगले हिस्से में पूछता है व्हाट इफ द मैनेजमेंट रिसीव द रिप्लाई ऑन 26 फेब। तो देखिए 20 जनवरी से 26 फेब 30 दिन क्रॉस कर जाएंगे, तो हम इसे क्या मान के चलेंगे, रिजेक्शन। आखिरी प्रश्न हमारा आईबीसी पे है, और ये थोड़ा सा आईआरपी इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल के ऊपर है, सीओसी से रिलेटेड सेक्शन 21 एंड 22 पे बेस्ड है। कहते हैं एप्लीकेशन कंप्लीट की गई है और फाइल की गई है बाय ओसी ऑपरेशनल क्राइटर के द्वारा एनसीएलटी के पास फॉर सीआईआरपी। एनसीएलटी ने डिटेल एग्जामिनेशन किया और एडमिट किया एप्लीकेशन को और एक्सेप्ट कर लिया जो प्रपोजल था ओसी का टू अपॉइंट आईआरपी इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल। ओसी ने अपनी एप्लीकेशन के साथ एक अटैच किया है कंसेंट प्रपोज्ड आईआरपी की भी। अब आपसे यहां कई प्रश्न पूछे गए हैं, जैसे पहला पूछा गया हु विल कॉन्स्टिट्यूट सीओसी, ऑब्वियसली सेक्शन 21 में हम पढ़ते हैं आईआरपी ही कॉन्स्टिट्यूट करेगा। नंबर 2 टाइम पीरियड विद इन विच फर्स्ट मीटिंग, तो वो 7 दिन के भीतर बुलानी होती है। मेजोरिटी रिक्वायर्ड फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ आईआरपी से रेजोल्यूशन प्रोफेशनल जो 22 में आप अपॉइंट करोगे, तो 66% ऑफ फाइनेंशियल क्रेडिटर्स की हमें अप्रूवल की जरूरत होती है। तो जैसे मैंने यहां कोट किया कि पहले का आंसर 21 में कि आईआरपी ही सीओसी कॉन्स्टिट्यूट करेगा, राइट, जब वो सारा क्लेम्स वगैरह उसको कोलेट वगैरह कर लेगा, और 22 में उसे मीटिंग बुलानी होती है 7 दिन के अंदर, और जैसे 22 में क्योंकि आपने जो आरपी अपॉइंट करना है तो कितने चाहिए 66% ऑफ वोटिंग शेयर, लेकिन ध्यान रखिएगा किसके, क्योंकि यहां एप्लीकेशन ओसी की है ऑफ फाइनेंशियल क्रेडिटर्स के लिए। चौथा एक हिस्सा हो रहा है इन ए सिचुएशन वेयर इट हैज बीन रिजॉल्व टू रिप्लेस आईआरपी को रिप्लेस करें किसी अनदर आरपी से, कहते क्या स्टेप्स लेने होंगे, और व्हेन इट विल बी रिक्वायर्ड टू कंटिन्यू विद आईआरपी इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट इट हैज बीन रिजॉल्व टू रिप्लेस द आईआरपी। तो कैसे आप आईआरपी से किसी और को आरपी बना रहे, किसी और व्यक्ति को, एक तो ये प्रश्न हो गया इसके अंदर। दूसरा ये हो गया क्या आईआरपी आपने रेजोल्यूशन पास कर दिया उसे रिप्लेस करना है, क्या वो स्टिल कंटिन्यू कर सकता है? तो यहां देखिए हम 3-tier सेटअप में सेक्शन 22 में कहते हैं, सबसे पहले तो एनसीएलटी है या एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी कह लीजिए, वो क्या देगी, वो आरपी को अपॉइंट करने का प्रपोजल देगी, और वो फॉरवर्ड किसको करेगी, अभी भी डैट मीन्स बोर्ड को करेगी, और बोर्ड को अपने डिसीजन कितने दिन में देना होता है, 10 दिन के भीतर देना होता है। अगर बोर्ड इसे कंफर्म कर देता है तो फिर से कौन, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ही उसको क्या कर देगी, एक नया आरपी अपॉइंट कर देगी। लेकिन
अब हमारे क्वेश्चन में एक दूसरा हिस्सा भी था कि भाई साहब आप आईआरपी को रिप्लेस करना चाहते हो, रेजोल्यूशन भी पास हो गया, लेकिन क्या वो कंटिन्यू कर सकता है? तो नेचुरल है, क्योंकि अगर बोर्ड अपनी तरफ से रिप्लाई नहीं करेगा 10 दिन के भीतर, तो इन दैट सिचुएशन ही विल कंटिन्यू टू फंक्शन टिल द बोर्ड कंफर्म्स द अपॉइंटमेंट। तो इसके साथ ये क्वेश्चंस डिस्कशन मेरी तरफ से समाप्त होती है। तो विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर कमिंग एग्जाम्स। प्लीज एक चीज का पक्का ध्यान रखें, विशेष रूप से 2020 के बाद से आपके कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो, गो थ्रू ऑल द क्वेश्चंस इसके बाद, चाहे वो आरटीपी के रहे हो, चाहे एमटीपी के रहे हो, चाहे पास्ट क्वेश्चन रहे, इतने सारे, ये क्योंकि यहां पे सबसे टेक्निकल क्वेश्चन आए, जिससे आपको बड़ा अच्छा एक आइडिया मिलता किस तरह का पेपर आ पाएगा। सो टेक गुड केयर ऑफ दैट। सो ऑन दिस नोट आई वाइंड अप। थैंक यू।